गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हितिका गुड मॉर्निंग मैम। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द डिले, आज आपकी क्लास कनेक्ट नहीं हो पाई प्रॉपरली, इसके लिए सॉरी। नाउ 3 दिन है मैडम आ क्या होगी, मैडम आ क्या होगी। अहमद अहमद अपना माइक म्यूट करे। अहमद अपना, गुड मॉर्निंग देवांशी। गुड मॉर्निंग। हाँ बच्चों अपना माइक म्यूट कर ले, जिससे कि हमें डिस्टरबेंस ना हो और आदर्श बच्चों को भी डिस्टर्ब ना हो, वो आराम से अपनी क्लास अटेंड कर पाए। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट प्लीज जॉइन क्विकली। गुड मॉर्निंग मैम। देवांशी का अपना माइक म्यूट करे बेटा। म्यूट योर कैमरा, कैमरा भी म्यूट कर ले बच्चे। स्टूडेंट्स So students, are you ready for today class? Good morning students, I am a teacher of Adarsh Baniketan. My name is Nisha Joshi, I am your English teacher. So today our chapter is in English grammar, chapter 3rd, noun. आपको पता ही है, सबको पता है कि noun किसे कहते हैं, और बच्चों ये हमारा revision चल रहा है, तो आज हम फिर से revision chapter ही कर रहे हैं। So today we will learn about, today our topic is noun and we will learn about noun. Okay students, so open your chapter in English grammar, open your chapter 3 on page number 17. So today we'll start our chapter like this. Noun, what is a noun? A noun is the name of a person, place or things. Noun kise kehte hain? Name of a person. Name of person, place or things. Ma'am. Yes. Ma'am, chapter कौन सा है? Chapter 3 in English grammar, page number 17. Things, animal. और क्वालिटी यानी कि किसी की विशेषताएं। यस मैम। यस मैम, ये नोटबुक में करना है क्या? किसी को कुछ नहीं लिखना है, अभी मैंने आपको बोला ही नहीं है, जस्ट राइट इट डाउन। पहले आप समझे, उसके बाद में आपको लिखना है। अंडरस्टैंड? नाउ म्यूट योर माइक। नेक्स्ट, व्हाट इज ए नाउन? तो नाउन को, नाउन तो आप सभी को जानते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, ये भी आपको, इसकी भी परिभाषा आपको आती है, वही हमारी परिभाषा इसमें कन्वर्ट हो जाती है इंग्लिश में। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नाउन। व्हाट इज ए नाउन? नाउन इज ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग, यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम, आपका नाम, आप लोग सब कोई क्या हो? नाउन। एवरीथिंग हैज ए नेम, हर एक चीज का, जो भी चीजें होती है उनका सबका एक नेम होता है, पर्टिकुलर नेम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन। एवरीथिंग हैज अ नेम, हर एक चीज का नाम होता है ना। तो नेक्स्ट, प्लेस यानी हमारी, जहां पे भी हम जगह, कहीं पे भी हम जाएं, जो भी जगह होती है उसको भी एक नाम दिया हुआ है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड नेम ऑफ ए प्लेस। थिंग्स, हर एक वस्तु उसका भी एक नेम होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेम ऑफ थिंग्स। एनिमल्स, जो भी जानवर होते हैं उनका, हम जैसे ही हम उनको देखते हैं तो हमारे दिमाग में उनका नाम ऑटोमेटिकली आ जाता है, बिकॉज वी गेव देम ए नेम, इट्स कॉल्ड एनिमल्स नेम। क्वालिटी, किसी की विशेषताएं, तो विशेषताएं तो वो हमें दिख जाती है, वी कैन फील इट,
तो उसी विशेषता को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी, जो हम उन्हें फील करते हैं उसको भी हम अपने आप ही ऑटोमेटिकली उसको एक नाम देते हैं। सो वी कैन से द फीलिंग्स हैज ए नेम, इट्स कॉल्ड ए क्वालिटीज नेम। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे एग्जांपल दिया है, मिस्टर शर्मा इज आवर प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखो हमारे फर्स्ट एग्जांपल में टू थिंग्स दी हुई है कि मिस्टर शर्मा इज आवर प्रिंसिपल। तो मिस्टर शर्मा रेड कलर में है, इज आवर वो ब्लैक कलर में है, और प्रिंसिपल वो क्यों है, इसलिए है कि प्रिंसिपल आता है कॉमन नाउन एंड मिस्टर शर्मा आता है हमारा प्रॉपर नाउन। नाउन कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नाउन इन नाउन्स, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नाउन। सी एट द बैक यू कैन सी देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नाउन, व्हाट आर दे? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट है हमारे कलेक्टिव नाउन, मैटरल नाउन, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी सॉरी स्टूडेंट्स, देयर आर फाइव टाइप ऑफ नाउन इन आवर इंग्लिश ग्रामर। देयर आर, सॉरी स्टूडेंट्स, देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन। व्हाट आर दे? दे आर, सी दे आर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल नाउन, एंड लास्ट वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन इन आवर इंग्लिश ग्रामर। सो स्टूडेंट्स यू कैन नॉट सी बट यू कैन सी इन योर बुक लास्ट ऑन पेज नंबर 18, काइंड्स ऑफ नाउन। ओपन पेज नंबर 18, काइंड्स ऑफ नाउन। यहाँ पे हमारे दिए देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन इन आवर इंग्लिश, व्हाट इन नाउन, देयर आर फाइव काइंड्स ऑफ नाउन इन आवर नाउन्स। सो टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हम किसको कहते हैं बच्चों? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो हमारे एग्जाम्पल में दिया, लुक एट द एग्जाम्पल्स, हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। आई फॉरगॉट माई कोट इन द कार, मैं अपना क्या भूल गया हूँ, कोट मैम मैं आई गो टू वॉशरूम। प्लीज डोंट इंटरप्ट इन द मिड ऑफ द क्लास, क्लास के बीच में आप इस तरह की इंटरप्शन ना करें। प्लीज ओके म्यूट योर माइक, अपना माइक म्यूट करके रखे। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन किसको कहते हैं? जो कॉमन चीजें होती हैं। देखो यहाँ पे आई फॉरगॉट माई कोट इन माई कार, सम बॉयज लाइक टू प्ले क्रिकेट, द सिटी इज वेल मेंटेन इन द, तो यहाँ पे हमें तीन हमारे एग्जांपल्स दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे इन द अबाउ सेंटेंस, कोट, कार, गर्ल एंड सिटी आर द कॉमन नाउन। कोट क्या होता है बेटा? कोट तो सभी पहनते हैं, कोट का कोई स्पेशल प्रोफेसिव नाम थोड़ी ना होता है कि ये राज कोट है ये, या मतलब उसका कोट का स्पेशल नेम नहीं होता ना, इट्स अ कोट, इट्स वेरी कोट। कार, कार बहुत सारी होती हैं, उनकी अलग अलग कंपनियां होती है, बट वी व्हेन वी सी ए कार वी विल से दिस इज ए कार। तो गाड़ी सिर्फ जो कॉमन होती है, वी कैन सी एवरीवेयर का कार, राइट, देयर इज नो स्पेसिफिक नेम फॉर द कार। तो मतलब जो जिसका एक नेम होता है पर्टिकुलर, उसे हम कहते हैं प्रॉपर। एंड कॉमन क्या होता है? जो कॉमन चीजें होती हैं, वी कैन सी एवरीवेयर द कॉमन सेम थिंग्स, एक ही जैसे एक ही समान चीजें हम मैम एक आपकी जगह। फोटो नहीं आ रही। कौन बोल रहा है? हु स्पीकिंग इन द मिडल? तो जो एक पर्टिकुलर सिर्फ एक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर। कॉमन
कॉमन क्या होता है, जो सेम जगह सेम चीजें होती हैं, वी कैन सी एवरीवेयर, इट्स कॉल्ड ए कॉमन थिंग्स। मैं वाईफाई चला रखी हूं। इन द अबाउट सेंटेंस, इन द अबाउट सेंटेंस, कोट, कार, गर्ल्स एंड सिटी आर द कॉमन नाउन। मतलब हमारे जो सेंटेंस थे इसमें बताया गया है कि जो कोट है, कार है, गर्ल्स है, गर्ल्स यहाँ पे गर्ल्स नहीं है, यहाँ पे बॉयज हैं। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे गर्ल्स दिया हुआ है आपके बुक में, बट इट इज बॉयज। यहाँ पे बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं ना, गर्ल्स नहीं खेल रही है। एंड सिटी, तो ये क्या है, ये कॉमन है। सिटी का यहाँ पे नेम नहीं दिया हुआ है, द सिटी इज वेल मेंटेन। अब कौन सा शहर वेल मेंटेन है, यहाँ पे पर्टिकुलर सिटी का नेम नहीं दिया हुआ है, तो सिटी क्या आएगी हमारी कॉमन नाउन में। अगर यहाँ पे बोलते हैं द दिल्ली इज वेल मेंटेन, तो वो क्या आती है प्रॉपर में, क्योंकि वो है प्रॉपर, उसका नाम दिया हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन होता है वी कैन वी डोंट नो द पर्टिकुलर नेम फॉर व्हाट द नाउन इज सेइंग, तो इसे हम क्या कहते हैं कॉमन नाउन। ओके नेक्स्ट, बिकॉज इट डजंट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर थिंग्स। अब यहां पे देखो, बिकॉज इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर थिंग्स, कार, कोट, पर्संस, बॉयज एंड प्लेस, सिटी, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में नहीं बता रहा है, सिर्फ ये चीज बता रहा है, बट सिर्फ उसी के ऊपर नहीं बता रहा है। अगर हम किसी चीज के ऊपर बताते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, वी कैन सी एवरीवेयर। नेक्स्ट, हियर सम चार्ट व्हिच रिप्रेजेंट ए होल क्लास इन ए पर्टिकुलर काइंड। मतलब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, और इसमें देखिए यहाँ पे एक नाउन व्हिच डिनोट्स पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, बट इट्स ए कॉमन टू ऑल persons, place or things if the same class kind is called a common noun। यहाँ पे हमें common noun की definition दी हुई है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, a common noun which do not point out any particular, मतलब वो सिर्फ एक चीज के ऊपर नहीं बता रहा है, वो बता रहा है place, particular place or things, but it is common to all person, मतलब वह सबके लिए एक बराबर है, common to everybody, kids, students, they are called common noun। सिर्फ एक बच्चे के ऊपर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है हमारा प्रॉपर नाउन, और ऑल स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में क्या आ गए सभी बच्चे आ गए, तो वह क्या हुए हमारे कॉमन नाउन। तो यहाँ पे हमें चार्ट दिया हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पे दिखाया है पर्सन, पर्सन में गर्ल, बॉय, गर्ल में किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, बॉय में किसी का नाम नहीं दिया, तो ये क्या हुआ है हमारे कॉमन नाउन। फार्मर, किंग, फार्मर है, तो फार्मर किसको कहते हैं बच्चों, हम फार्मर हम कहते हैं जो खेती बाड़ी करता है, किसान। अब किसान का जो नेम नहीं होता है तो उसे हम किसान ही कहते हैं ना, तो ये हम थोड़ी राम किसान, श्याम किसान, ये होते हैं प्रॉपर नाउन, उसका अगर नाम होता है तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किंग यानी कि राजा, अब राजा के नाम बहुत सारे होते हैं, बट राजा अगर किंग आया तो ये आ गया कॉमन नाउन में। टीचर, टीचर में अब आपकी इतनी सारी टीचर्स है, आप हर टीचर्स को, अगर आपके सामने जो भी सारे टीचर्स आएंगे तो ये थोड़े ना बोलेंगे कि ना निशा मैडम प्रेजेंट, पूजा मैडम प्रेजेंट या अनीता मैडम प्रेजेंट, थोड़े ना बोलते हो आप, तो सभी टीचर्स को गुड मॉर्निंग टीचर्स बोलते हो ना, तो ये क्या हुआ टीचर्स हमारे आगे कॉमन नाउन में। अगर आपके सामने सिर्फ एक सिंगल टीचर्स खड़ी होगी उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। डॉक्टर, डॉक्टर का बहुत सारे डॉक्टर हैं, हर डॉक्टर का अलग अलग नेम होता है, अलग अलग नेम वाले डॉक्टर को हम क्या कहते हैं प्रॉपर नाउन। जो डॉक्टर्स में आते हैं बहुत सारे, जो एक साथ में जो बहुत सारी चीजें बोलते हैं ना, कि वो तो कलेक्टिव नाउन होता है, बट डॉक्टर अगर हमें सिर्फ डॉक्टर के पास जाना है, हम बोलेंगे हमें सिर्फ आईज डॉक्टर के पास जाना है। अब आईज, आईज जहाँ पे हॉस्पिटल होता है वहां पे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, उनका अलग अलग सेक्शन बना होता है, अलग अलग सेक्शन वाले डॉक्टर्स को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। एंड सिर्फ आई हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को दिखाना है तो हम कहेंगे सिर्फ कॉमन नाउन डॉक्टर। चाइल्ड, लेडी, दे आर ऑल केम इन ए कॉमन नाउन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉपर नाउन। यहाँ पे देखिए बच्चे, प्रॉपर नाउन प्लेस में आप पढ़ोगे, एनिमल्स का आप पढ़ोगे, कॉमन नाउन में थिंग्स का आप खुद से ही पढ़ोगे, अपने आप से ही पढ़ोगे। दे आर द इजिएस्ट स्पेलिंग्स, यू कैन रीड इट योर सेल्फ। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड इट yourself. Here the charts which represent the whole class of a particular kind. मतलब यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया हुआ है, उसको आपको अपने आप से ही पढ़ना है, आपको लिखना किसी को नहीं है, अंडरस्टैंड बच्चों, किसी को भी नहीं लिखना है कुछ भी।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर नाउन. नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन. तो आपको मैंने बताया था बच्चों कि कॉमन नाउन जो होता है वह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जाता है, वो कॉमन चीज. देयर आर फाइव पेंसिल, दे आर कॉमन नाउन. अब हमें बोलेंगे कि ये HB की पेंसिल है, तो ये क्या हुई हमारी प्रॉपर नाउन. पेंसिल्स बहुत सारी है, पेंसिल के सबके अलग अलग नेम होते हैं कि ये HB की पेंसिल है, ये दूसरी चीज की पेंसिल, ऐसे बोलते हैं ना. कलर पेंसिल अलग होती है, स्केच पेन अलग होते हैं, और ये पेंसिल अलग होती है, पेन अलग होते हैं, है ना. तो ये क्या हुए प्रॉपर नाउन में भी आते हैं और ये कॉमन नाउन में भी आते हैं. अंडरस्टैंड. ए प्रॉपर नाउन भी बिंग्स विथ ए कैपिटल लेटर. जो हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में आते हैं. ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था और आज फिर से मैं बता रही हूँ कि जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो जो हमारा उसका फर्स्ट लेटर होता है या जो भी हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही आते हैं. कैपिटल लेटर होता है बड़ी ABCD, यानी कि स्मॉल लेटर में हम कभी भी किसी का नाम नहीं लिखते हैं, क्योंकि कॉमन नाउन हमेशा जो नेम होता है पर्टिकुलर पर्सन का उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, लुक इट हियर. मैम आपकी फोटो अच्छे से नहीं आ रही. अब हमें इसमें से कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन फाइंड आउट करने हैं. राम इज ए गुड बॉय. तो हमारा बॉय क्या हुआ बच्चों इस सेंटेंस में? बॉय हुआ हमारा कॉमन नाउन. एंड राम क्या हुआ हमारा प्रॉपर नाउन, क्योंकि राम किसी व्यक्ति का नाम है. यहाँ पे बॉय है जो क्या है बच्चों हमारा कॉमन नाउन. क्योंकि अगर हम बोलते बॉय इज सिटिंग ऑन ए बेंच, बॉय इज सिटिंग ऑन ए बेंच, तो यहाँ पे बॉय क्या है हमारा कॉमन नाउन. क्यों है कॉमन नाउन? क्योंकि यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है, किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है. तो ये क्या हो गया, बॉय है, लड़का है, इससे मेल, राइट. तो ये क्या है कॉमन नाउन, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया हुआ है. राम, राम क्या है प्रॉपर नाउन, यानी कि ये पर्टिकुलर किसी बच्चे का नाम है, उसके बारे में ये पूरा सेंटेंस है हमारा. तो ये क्या हुआ हमारा प्रॉपर नाउन. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट. नेक्स्ट है दिल्ली इज ए बिग सिटी. दिल्ली इज ए बिग सिटी. अब दिल्ली क्या है बच्चों हमारी? दिल्ली इज ए प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? कौन बताएगा? कॉमन नाउन. कॉमन नाउन. वेरी गुड. प्रॉपर नाउन. मैम कॉमन नाउन. ये हमारा प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन है क्योंकि दिल्ली किसी जगह का नाम दिया हुआ है. सिटी क्या है हमारा? कॉमन नाउन. कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर सिटी का यहाँ पे तो नाम दिया हुआ है. बट अगर मैं बताऊं द सिटी इज ब्यूटिफुल, द सिटी इज ब्यूटिफुल, चलो ये तो हम बोल देते हैं कि जो शहर है बहुत सुंदर है. तो द सिटी, सिटी कौन सा शहर सुंदर है? इसमें मैंने मेंशन किया है? नहीं किया ना, यहाँ पे नहीं किया ना मैंने मेंशन. इस वाले सेंटेंस में देखो, इस वाले में ये ए और ये बी, हमारे सेंटेंस बी में देखो द सिटी इज ब्यूटीफुल, यानी कि जो हमारा शहर है वह सुंदर है. पर कौन सा शहर? मैंने मेंशन किया यहाँ पे किसी भी सिटी का नेम? नहीं किया ना.
तो इसका मतलब ये कि जो हमारी सिटी है वह है हमारा कॉमन नाउन, यानी कि इसमें हमने सिटी का कोई भी नाम नहीं बताया। अभी हमारे फर्स्ट नंबर ए वाले सेंटेंस में देखो, दिल्ली इज ए बिग सिटी, यानी कि जो दिल्ली है वह बहुत बड़ा शहर है। क्या है दिल्ली, किसके बारे में बताया गया यहाँ पे, दिल्ली। तो दिल्ली क्या हुआ हमारा बच्चों, प्रॉपर नाउन। क्या हुआ बच्चों, दिल्ली क्या हुआ हमारा, प्रॉपर नाउन। आया समझ में? प्रणाम यस। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन तो समझ में आया सबको या नहीं आए? यस मैम मैम ओके यस ओके। नेक्स्ट है हमारा, चलो फिर से आप देखो यहाँ पे, द गर्ल्स आर टॉकिंग देयर, तो मतलब जो लड़कियां हैं वह बात कर रही है। इसमें हमारा कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है, इसमें कॉमन नाउन कॉमन नाउन। वेरी गुड, क्योंकि गर्ल्स यहाँ पे पर्टिकुलर, इसमें हमने किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया है। यहाँ पे जो हमारी सिर्फ जो सेंटेंस में जो नाउन है वह क्या है, कॉमन, यानी कि हमें किसी का नाम नहीं है। They are the common, girls common है। तो ये क्या हुआ हमारा, girls common noun। कॉमन नाउन सीता इज टॉकिंग, तो यहाँ पे हमारा नाउन कौन सा है इस सेंटेंस में, सीता। सीता 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 क्या है, कौन सा नाउन है बच्चों हमारा, सीता कौन सा नाउन है, प्रॉपर प्रॉपर नाउन नाउन। क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। किसका नाम दिया हुआ, किसी व्यक्ति का नाम दिया हुआ, सीता। सीता तो वो क्या हो गई हमारी बच्चों, प्रॉपर नाउन। अंडरस्टैंड? आप इस तरह से आप करोगे, आपको अगर मैं दो तीन एग्जांपल्स आपको वर्कशीट दूं तो आप ऐसे कंप्लीट करोगे? ओके वेरी गुड। यस नेक्स्ट मैम है हमारा, नेक्स्ट हमारा है कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारा नाउन है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं, जो बहुत सारी चीजें होती हैं एक साथ में, झुंड में, जैसे बोलते हैं ना, झुंड बोलते हैं किसी को, एक साथ बहुत सारी चीजें गैदर्स होती हैं, बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक साथ ही होते हैं ना, उसमें गर्ल्स बॉयज दोनों मिक्स होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। वो सारे जो एक साथ में जमा होते हैं सारी चीजें, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। एक कलेक्टिव नाउन्स रिप्रेजेंट ए ग्रुप, यानी कि बहुत सारे कलेक्टिव जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको बताते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स। बहुत सारी जो चीजें होती हैं जो एक साथ में गैदर होती हैं, सेम चीजें, उसे हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। यानी कि देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ए गैंग ऑफ रॉबर्स, तो चोरों का जो गैंग होता है, समूह, मतलब बहुत सारे चोर, एक अकेला चोर नहीं, बहुत सारे जो चोर होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, गैंग ऑफ रॉबर्स। यानी कि रॉबर्स किसको कहते हैं, चोर को कहते हैं। किसको कहते हैं, चोर को। ए टीम ऑफ प्लेयर, तो प्लेयर अकेला सिंगल जो प्लेयर करता है उसे हम क्रिकेट प्लेयर नहीं बोल सकते ना, हम क्रिकेटर प्लेयर्स बोलते हैं ना। प्लेयर्स जहां पे आते हैं, यहाँ पे एस आ जाता है, वहां पे नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, चीजों का जो नंबर्स होता है उसमें हम काउंट करते हैं उसको, क्या करते हैं, काउंट करते हैं, राइट। तो ये टीम, टीम तो एक व्यक्ति से नहीं बनती ना बच्चों, टीम होती है बहुत सारे एक साथ में, बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, उसको हम कहते हैं टीम। समझ में, ए क्राउड ऑफ पीपुल, लोगों की भीड़, लोगों की भीड़। क्राउड किसको कहते हैं, भीड़ को हम क्राउड कहते हैं। ए कोर ऑफ सिंगर्स, मतलब जो सिंगर्स, बहुत सारे सिंगर्स एक साथ में होते हैं, संगीतकार, उसको हम क्या कहते हैं, सिंगर्स, है ना। ए आर्मी ऑफ सोल्जर, मतलब आर्मी, आर्मी किसको कहते हैं, सैनिक को हम आर्मी कहते हैं ना,
सोल्जर्स, बहुत सारे सिपाही। आया समझ में स्टूडेंट्स? तो हम इसी तरह से कलेक्टिव नाउन कहते हैं, बहुत सारे एक साथ में इकट्ठे होते हैं। ए प्राइड ऑफ लायनस, मतलब जो जहाँ पे लायन होते हैं। ए फ्लॉक ऑफ शिप्स, जहाँ पे भेड़ बकरियां होती हैं उसे हम फ्लॉक कहते हैं। ए पैक ऑफ कार्ड्स, मतलब जो कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स किसको कहते हैं बच्चों? चाहे हम किसी भी तरह के हम कार्ड्स खेलते हैं ना, गेम्स, इसे गेम। ए लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, मतलब लाइब्रेरी में क्या होती है, बहुत सारी बुक्स होती है, होती है ना, उसे हम, ये सारी चीजें क्या है बच्चों, ये हमारे कलेक्टिव नाउन में आती है। ए सेट ऑफ क्रॉकरी, सेट ऑफ क्रॉकरी, क्रॉकरी बहुत सारे बर्तन होते हैं, उसे हम क्रॉकरी कहते हैं ना, एक साथ में बहुत सारे बर्तन, वो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, चाहे स्पून हो चाहे प्लेट हो चाहे हमारा ग्लास हो, ये सारी चीजें एक साथ में गैदर होती है, तो एक कलेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? कलेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। तो आप ये भी आप कर लोगे, आपको ये भी पता है, राइट? नेक्स्ट है हमारा मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन, ए नाउन इज ए थिंग्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द अर्थ और यूज टू मेक अदर थिंग्स। मतलब जो मेटेरियल नाउन है वह क्या होता है बच्चों, कि वो होता है जो एक्सटेंडेड फ्रॉम द अर्थ, जो हमें पृथ्वी खनिज पदार्थ जो देती है उसे हम क्या कहते हैं? मेटेरियल नाउन। पृथ्वी जो हमें जिस तरह के पदार्थ देती है, देखो हम हनी बनाते हैं, नहीं बनाते, वी गेट फ्रॉम द अर्थ, बी से मिलता है हमें हनी। यहाँ पे देखो हमारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्या दिए हुए एग्जाम्पल? सैंड, मिट्टी आप बनाते हो? नहीं, इट्स ए गोड मेड, यो, या इट्स ए अर्थ मेड। ये हमें मिट्टी कहां से मिलती है? हमारे अर्थ, अर्थ हमें क्या देता है, इसको अर्थ मेक करता है ना, वी गेट एक्सटेंडेड, मतलब हमें पृथ्वी से मिलती है। आयरन, मिल्क हमें काउ देती है, हम मिल्क नहीं बनाते हैं, हमें काउ देती है। पेपर, पेपर, वी गेट पेपर फ्रॉम द ट्रीज। कॉपर, इट्स ए मेटेरियल थिंग्स, राइट? वूल, रबर, कॉटन, गोल्ड, प्लास्टिक, राइस, सिल्क, ग्लास, वाटर, वीट, सिल्वर, स्टोन, शुगर, वुड, दे ऑल आर एक्सटेंडेड फ्रॉम अर्थ। मतलब जो हमें पृथ्वी से उपज होती हैं चीजें, पृथ्वी हमें उपज करके देती है। अब हम राइस, हम थोड़ी ना, हम तो इनको ग्रो करते हैं, ये ऑटोमेटिकली ग्रो होते हैं ना। आई टोल्ड यू कि जो ये प्लांट्स होते हैं दे आर ऑल्सो ए लाइक ए लिविंग बींग्स, ये भी, इनको हम छोटा सा पेड़ लगाते हैं बट ये अपने आप ही बड़े होते हैं ना, हम तो सिर्फ वाटरिंग करते हैं, इनको कहाँ से सब कुछ खाना मिलता है, हम तो सिर्फ पानी डालते हैं ना इनमें, हम तो या तो हम इनको खाद डाल सकते हैं या पानी डाल सकते हैं। दे गेट फूड फ्रॉम सनलाइट, वो सनलाइट से उनको खाना भी मिलता है और वो सनलाइट से ही ग्रो होते हैं, होते हैं ना। तो ये सारी चीजें दे आर व्हाट, अर्थ एक्सटेंडेड, है ना, जो हमें पृथ्वी से उपज होती हैं चीजें, इनको हम क्या कहते हैं? मेटेरियल नाउन। क्या कहते हैं बच्चों? मेटेरियल नाउन। अब यहाँ पे एग्जांपल्स आप पढ़ो, हनी, सैंड, आयरन, मिल्क। रीड योरसेल्फ, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ पाओगे आपको ये समझ में भी नहीं आएगा, आप खुद से भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे तभी तो आपको पता चलेगा ये क्या चीज है और किस तरह से हमें इनको पढ़ना है और हमें किस तरह से इनको हमारे वर्कशीट में करना है। नेक्स्ट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है बच्चों? एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट्स, फीलिंग्स और आइडिया विच वी कैन थिंक और फील बट वी कैनोट टच और सी। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वह क्या है बच्चों? विच वी कैन सी, सिर्फ हम इन चीजों को देख सकते हैं, वी कैनोट सी, सो वी कैन थिंक, हम सिर्फ सोच सकते हैं। We can feel, हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं but we cannot see, हम देख नहीं सकते इन सब चीजों को, किसको? Abstract noun को। अब abstract noun में देखो हम कैसे, हमें पता चलेगा, dance, dance हम देखते हैं ना but हम, हमें कैसे पता चलेगा कि वो dance अच्छा है गंदा है, तो हम उस चीज को feel करते हैं, हम सोच सकते हैं कि अच्छा है गंदा है, हम देख सकते हैं उसको but हम उसको ये थोड़ी ना बोलेंगे कि तुम्हारा ना गंदा है dance। इसमें दिया हुआ है एक्टिविटी, एक्टिविटीज में दिया हुआ है, जैसे कि हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? डांस। डांस किसमें आएगा? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में।
जर्नी यानी कि हमारा जो सफर हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जर्नी। वी कैन फील, हम कहीं घूमने जाते हैं तो हमें हमें खुशी मिलती है, वी फील हैप्पी ऑन दैट टाइम, राइट। जब हम घूमने जाएंगे ऑब्वियसली वी विल फील हैप्पी। मैं तो बड़ी खुश होती हूँ घूमने जाती हूँ, आप लोग खुश होते हो नहीं होते घूमने जाते हो तब? कोई बताएगा मुझे कि जब आपको घूमने के लिए कहीं जाते हो खुश होते हो नहीं होते यस हो? हाँ, मैम, यस तो भी मैम, बड़े हम खुश हैं, बड़ा होते मजा। हैं, यस मैम, मैम ओके वेट, ब्लैक ब्लैक आ रहा है, हाँ, कोई नहीं। तो हमें खुशी मिलती नहीं मिलती? ऑब्वियसली मिस मिलती है ना। तो क्वालिटी, अब किसी की क्वालिटी, विजडम। विजडम यानी कि ईमानदारी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, बुद्धिमता। विजडम होती है बुद्धिमता, यानी कि अब कोई मतलब, अरे यार ये क्या हुआ, मैम आपकी फोटो नहीं आ रही, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट रुको। फोटो तक यस, नाउ यू कैन सी। अब आ रही बच्चों, मैम, वेट। यस मैम, ब्लैक ब्लैक आ रहा है, यस नाउ यस बच्चों, नाउ यू कैन हियर माई वॉइस। सो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ में आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हंसना। अब आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप मम्मी को बोलोगे, जब आपको महसूस होता तभी तो आप बताओगे ना। आप अपने पेट दर्द को दिखा सकते हो क्या मम्मी को? नहीं दिखा सकते। आप बीमार होते हो, फीवर होता है, तो ये मम्मी महसूस करती है ना, आपको भी महसूस होता है, राइट। तो जो चीजें हम महसूस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आया समझ में बच्चों? रेस्पॉन्स में स्टूडेंट्स, क्या आपको समझ में आया? यस ओके ओके मैम, स्टूडेंट्स, मैं आपको आज एक वर्कशीट दूंगी, उसको आज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल एंड आवर क्लास हियर। वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। Which chapter? We have completed our chapter, third revision chapter. Okay? ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, बाय मैम, बाय बाय मैम, बाय बाय बाय, बाय मैम, बाय ओके मैम, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। बाय मैम, हाँ।